नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आलू और प्याज से आज एक बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे और यकीन मानिए सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये बन जाएगी और बहुत कम सामान हमें चाहिए। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। आप रिफाइंड ऑयल लें और आलुओं को मैंने देखिए इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। तो चौकोर नहीं काटें, आप लंबे काटें। और जीरा डालेंगे हम तेल गरम होने पर। और ये दो आलू हैं, इन्हें हम डाल देंगे। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये दो बड़े आलू थे जिनको मैंने इस तरह से लंबे स्लाइस में काट लिया है। तो अब हम गैस को यहाँ तेज रखेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट इन्हें हमें हाफ कुक करना है। तो देखिए, थोड़े थोड़े कुक ये दिखने लग गए हैं। अब मैंने यहाँ पर लंबे लंबे इसी तरह से बड़े बड़े कटे हुए प्याज लिए हैं। तो आप प्याज डालिए और इन्हें मिलाइए। और इसे हम नमक डालेंगे। नमक मिला करके इसे हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो अब आलू फुल कुक हो जाएगा और प्याज यहाँ हमें फिर से हाफ कुक रखना है। तो प्याज को हमें यहाँ ज़्यादा नहीं पकाना है और आलू को आप तोड़ के देख लीजिए। इसके बाद इसी तरह से मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं, उन्हें भी स्लाइस कर लिया है। अब मसाले डालेंगे हम। तो सिर्फ नॉर्मल घर के मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया है। और देखिए, मैंने घर की बनी हुई टमाटर प्यूरी लिया। आप मार्केट की ले लें या 2 टमाटर आप पीस कर इसमें डाल दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा और दिखने में भी अच्छी दिखेगी। तो अब इसे डालकर मिलाइए। और अब सारे मसाले मिलाने के बाद फिर से हमें इसे सिर्फ 2 मिनट पकाना है। बहुत जल्दी ऑयल छोड़ देगा ये, क्योंकि सब कुछ कुक हो चुका है। अब लास्ट एंड फाइनल देखिए, इसे हम ये घर की मलाई डालेंगे और कसूरी मेथी। तो मलाई आप 3 से 4 चम्मच डालिए। और इसे गैस को हमें तेज ही रखना है, कम गैस यहाँ कहीं नहीं करनी है। बहुत फटाफट सब्जी बन जाएगी। और इसे मिलाएंगे हम। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी है, सब्जी हमारी रेडी है। आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ डाल लें। तो इस तरह से सिर्फ 10 मिनट में देखिए, ये हमारी बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के रेडी है। कोई ग्रेवी हमने नहीं बनाई, फिर भी ग्रेवी दिख रही है। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तो आप घर में बने हुए नान से खाइए, रोटी से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।